हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशान भाटी एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तीन छोटे छोटे मुद्दों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो आपका हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, दूसरा आपका कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है एज पर इंडियस 107 और तीसरा एक गाइडेंस नोट है। बस ये इतनी चीज़ें पढ़नी है हमने और कुछ नहीं बचा हमारा इस चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज़ आती है हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ थ्योरी है ये समझ आ जाएगी, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको आज समझ लेंगे। दूसरी चीज़ आती है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट गिवन बाय इंडियस 107। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऑफिस में हम जब काम कर रहे होते हैं क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें देने चाहिए, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, पेपर के लिए आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको खुद से भी, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है नहीं। चीज़ें जो है काफ़ी सिंपल चीज़ें लिखी हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। लास्ट में हमारा आता है गाइडेंस नोट। अब इस गाइडेंस नोट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। अब गाइडेंस नोट क्या कहता है, पहले इसको रीड कर लेते हैं फटाफट। गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव डील्स विद हैज अकाउंटिंग फॉर एंटिटीज नॉट अप्लाइंग इन डेज। It specifies same hedge account as done in Ind AS 109, except that instead of OCI, we use cash flow hedge reserve, which is shown directly in balance sheet. This is transferred to P&L when contract for hedging expires. अब क्या हुआ, ICICI का ना एक गाइडेंस नोट आया है और इस पर एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी देखेंगे आज हम। बट ये गाइडेंस नोट क्या कहता है, ऐसी कई सारी एंटिटीज़ हैं जो हेजिंग करना चाहती है बट उन पर Ind AS तो अप्लाई होता है नहीं, तो हेज अकाउंटिंग कैसे लगाएं। तो एक गाइडेंस नोट में क्या लिखे कि ये एंटिटीज भी हैज अकाउंटिंग लगा सकती है लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग OCI दे शुड राइट CFH रिजर्व, कैश फ्लो हैज रिजर्व, क्योंकि यार Ind AS तो अप्लाई होता नहीं है तो इनको OCI का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इनका। तो इसलिए ये जो गाइडेंस नोट है ये क्या कहता है कि आपको OCI की जगह क्या लिखना है, कैश फ्लो हैज रिजर्व लिखना है। तो हैज अकाउंटिंग तो जैसे हमने अभी सीखी है सेम ही रहेगी लेकिन आपको जहाँ जहाँ आप OCI लिखते थे वहाँ वहाँ कैश फ्लो हैज रिजर्व लिखना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और आती है कि आप इसको सोकी में भी तो ट्रांसफर कर देते लास्ट में, तो सोकी में अब सोकी का भी यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, छोटी कंपनी है यहाँ पर, सोकी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो आप इसको क्या करोगे, पहली चीज़ तो इसने बोली कि आप OCI की जगह कैश फ्लो हैज रिजर्व करोगे और लास्ट में जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा यही कैश फ्लो हैज रिजर्व आपका P&L में चला जाएगा। इसको हम क्वेश्चन के जरिए अभी समझेंगे बट एक बार थ्योरी वाला पार्ट आए तो थ्योरी तो एक बार इसको पहले यहाँ भी समझ लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ थी, जहाँ जहाँ आपने OCI रिजर्व लिखते थे वहाँ आपको कैश फ्लो हैज रिजर्व लिखना है अगर आप गाइडेंस नोट अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप छोटी कंपनी हो। तो छोटी कंपनी वाले अगर डेरिवेटिव के ऊपर Ind AS लगाएंगे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग OCI दे शुड राइट कैश फ्लो हैज रिजर्व, बाकी देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोकी एंड जो भी आपका कैश रिजर्व कैश फ्लो हैज रिजर्व में आपने पैसा डाला है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। अब इसको समझने के लिए इसको भी और अलग हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन को भी, इन दोनों को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 173। क्वेश्चन आप देख सकते हैं नीचे, मैंने बुक प्रोवाइड करी हुई है PDF में, उसमें आप 173 क्वेश्चन चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बता देता हूँ क्या है कि एक कंपनी है जो कॉपर बनाती है, तो कंपनी को लगता है कि पास्ट का ट्रेंड देखते हुए हिस्टोरिकल डाटा देखते हुए तो इनको क्या लगता है कि इनकी सितंबर में जो है वो सेल होगी 100 टन कॉपर की। अब आज के दिन इनको लगता है और वहाँ लिखा है कि प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, तो ये हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है। बट उस दिन चिंता भी है कि भाई प्राइस क्या होगा ये नहीं पता हमें, उस दिन का प्राइस क्या होगा ये नहीं पता, इस बात की चिंता भी है। तो पहली चीज़ तो ये हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कोई ऐसा डाटा नहीं गिवन यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई डाटा नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ एक बात की गई है कि ये जो कंपनी है इसको लगता है कि आगे चल के ये माल हमारा बिकेगा, 100 टन जो है कॉपर बिक सकता है। तो इस पर कोई रिकॉग्नाइज एसेट लाइबिलिटी तो है नहीं, यहाँ ना ही फर्म कमिटमेंट है, तो कौन से वाला रह गया, ये हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन और उस पर लगता क्या है, कैश फ्लो हैज लगता है। तो इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए कंपनी को लगता है कि सेल हो सकती है 100 टन कॉपर की फ्यूचर में, तो कंपनी ने इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने क्या करा, कंपनी सेल करेगी 100 टन कॉपर एक्स प्राइस पे सेल करेगी फ्यूचर में। सिर्फ एक थ्योरी वाला पार्ट है, लिखा हुआ है कि हाँ कंपनी जो है 100 टन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, एक होता है फ्यूचर एक होता है ऑप्शन। फ्यूचर में तो क्या कन्फर्म है, बेचेगी कितना बेचेगी, 100 टन कॉपर बेचेगी, कितने एक्स प्राइस पे बेचेगी। आगे करें, अब यहाँ पे हमें हैज अकाउंटिंग लगानी है, तो फॉरवर्ड हो या फ्यूचर हो तो उसकी तो एंट्री कोई होती नहीं है पहले दिन, 1 जनवरी आज 1 जनवरी को तो कोई एंट्री होगी नहीं, आज के दिन तो कोई पैसे पे करे नहीं है ना आपने। अगर ये ऑप्शन होता तो पैसे पे करते, आप एंट्री क्या करते, हैज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू बैंक, ये तो चीज़ सिंपल सी थी। अब आगे आता है आपका कि भाई कैश फ्लो हैज लगा रहे हैं तो क्या फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम वाला रहेगा सब, बिल्कुल भी नहीं। फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरन एक्सचेंज पे लगता है, यहाँ नहीं लगेगा। अच्छा, कोई एंट्री रहेगी आपकी सेल की,
कोई एंट्री करनी है क्या सेल की? आज के दिन तो सेल हुई ही नहीं है ना, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन है। आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके सेल हो सकती है तो इसकी कोई एंट्री थोड़ी ना कर दोगे आप आज। आगे बढ़ते हैं हम। अब बीच में एक रिपोर्टिंग डेट आती है, तो रिपोर्टिंग डेट पे हम क्या करते थे, हमने बात करी थी ना ईच रिपोर्टिंग डेट पे जो आपका हेज इंस्ट्रूमेंट है उसको रीवैल्यू करना है। तो यहाँ पर क्या है आपका हेज इंस्ट्रूमेंट, इस क्वेश्चन में आपका फ्यूचर, तो फ्यूचर को आप रीवैल्यू करोगे। रीवैल्यू करोगे तो क्या एंट्री आ सकती है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर कि आपका फायदा हुआ है, तो फायदे की एंट्री क्या करोगे आप, हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व या OCI। अब देखो 109 लगता है ना अगर इंडियस 109 तो आएगा आपका OCI, लेकिन अगर आप गाइडेंस नोट लगा रहे हो जो अभी हमने गाइडेंस नोट पढ़ा तो आपका आएगा कैश फ्लो हेज रिजर्व। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप नॉर्मल हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे OCI, सिंपल चीज है। लेकिन अगर आप गाइडेंस नोट लगाते हो यहाँ पर तो गाइडेंस नोट क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग OCI यू शुड राइट कैश फ्लो हेज रिजर्व। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, कैश फ्लो हेज रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में तो गाइडेंस नोट की बात की गई है, तो गाइडेंस नोट के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, कैश फ्लो हेज रिजर्व। फिर एक और रिपोर्टिंग डेट आती है, उस दिन भी आपको फ्यूचर फेयर वैल्यू को रिवैल्यू करना पड़ेगा फ्यूचर की, तो क्या एंट्री होगी, मान लेते हैं फायदा हुआ है तो हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व अगर गाइडेंस नोट लगा रहे हो, लेकिन अगर 109 लगा रहे हो तो OCI लिखना पड़ेगा आपको। आगे आती है सेल की डेट, सेल की डेट के दिन दोबारा से इसको रिवैल्यू करेंगे और एंट्री क्या होगी, हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू CFH रिजर्व अगर गाइडेंस नोट लगा रहे हो, अगर 109 लगा रहे हो तो OCI। ये तो आपका सेल की डेट आ गई। अब सेल की डेट आई, आज के दिन तो सेल हो ही जाएगी, तो सेल अगर होती है तो क्या लिखोगे एंट्री यहाँ पर, डेटर डेबिट टू सेल, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर जो फायदा बुक करा है कैश फ्लो हेज रिजर्व, कैश फ्लो हेज रिजर्व। अभी मैं गाइडेंस नोट की बात कर रहा हूँ क्योंकि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गाइडेंस नोट। तो कैश फ्लो हेज रिजर्व आपने क्रेडिट करा है, अब इसको कहाँ डाल दोगे आप, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ये। अच्छा अगर मैं इस डेट को बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो क्या रहेगा, इस डेट को अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ रिपोर्टिंग डेट पर, तो एक कैश फ्लो हेज रिजर्व आपका बैलेंस शीट में आएगा, आपका कैश फ्लो हेज रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा। तो रिपोर्टिंग डेट पे जो कैश फ्लो हेज रिजर्व आपने फायदा बुक करा है बैलेंस शीट में आता है, बट जिस दिन आप इसको सेल कर देते हो या UK की सेटलमेंट जो जिस दिन होती है आपकी, तो आज के दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो क्या करोगे इस कैश फ्लो हेज रिजर्व को उठा के कहाँ डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हो रहा है क्या यहाँ पर कि जो सेल हुई होगी ना, पक्की बात है कि ये सस्ते दामों में हुई होगी, तो ये सस्ते दामों में हुई होगी तो आपका P&L चोटिल हो गया होगा, तो यहाँ पर जो आपका लॉस हुआ है ना, इस फायदे ने उस लॉस को सेट ऑफ कर दिया, पूरा सेट ऑफ कर दिया। क्यों है, देखो यहाँ पर ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया था आपने, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको फायदा हो रहा है, और ये जो सेल करी है आपने यहाँ पर, आपने सस्ते दामों पर सेल करी होगी, और जब भी आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना तो आप ऑफसेट करने वाले कॉन्ट्रैक्ट ही लेते हो, तो इसलिए फ्यूचर का जो फायदा है वो सेल के नुकसान के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें एक बात और आती है कि यार अगर यहाँ पर OCI होता तो OCI डेबिट टू P&L आप रिसाइकल तो करते थे ना, हमने सीखा था कि इसको लास्ट में आके रिसाइकल कर देते हो और सारा का सारा जो है आखिरी में जाके P&L में चला जाता है, तो कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो लास्ट में क्या करते थे हम इसको रिसाइकल कर देते, रिसाइकल में ये ऊपर चला जाता था वापस। तो गाइडेंस नोट में भी यही करना है आपको, यहाँ पर बस कैश फ्लो हेज रिजर्व को P&L में डाल देना। अलग क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये छोटी एंटिटी है, यहाँ पर कोई SOCI का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ OCI का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो हेज रिजर्व में आपने पैसे को डालना है, और सेल लोअर भी हुई है तो क्या दिक्कत वाली बात है, प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि वो फायदा है और ये नुकसान जो है आपस में ऑफसेट हो जाएंगे। तो ये तो आपका खत्म होता है, गाइडेंस नोट भी यहाँ पर कवर कर लिया हमने, साथ साथ हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन भी कर लिया। अब आपका थ्योरी है वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी लगेगी आपको। अच्छा इसमें एक बात आती है कि अगर ये डेरिवेटिव होता तो क्या एंट्री होती, अगर ये डेरिवेटिव होता तो क्या एंट्री करते आप, डेरिवेटिव अकाउंटिंग होती तो कैसे करते, तो आप यहाँ तो सबका सारी चीज़ें सेम है आपके लिए, यहाँ तो कोई अलग बात नहीं है। अब अलग क्या है यहाँ पर, डेरिवेटिव ऐसे डेबिट टू P&L लिखते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि डेरिवेटिव में तो आप डेरिवेटिव अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि आपको फायदा हो रहा है तो आप क्या लिखते हो एंट्री, क्या करते हो डेरिवेटिव ऐसे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और सारा का सारा P&L में डालते हो, मतलब हाथों हाथ प्रॉफिट बुक कर देते हो ना, तो इस डेट पर और सेल की डेट पर हाथों हाथ आप प्रॉफिट बुक कर दोगे यहाँ पर, और लास्ट में आके क्या होता है, सेल तो करनी ही है, डेटर डेबिट टू सेल। बट यहाँ पर ना एक चीज़ थी, आपने यहाँ पर हाथों हाथ तो प्रॉफिट बुक कर दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपका जो है ना पूरी तरह से ऑफसेट नहीं हो सकता, ये जो फायदा है और इसका जो घाटा है, इस दोनों चीज़ें ना पूरी तरह से ऑफसेट नहीं होगी, क्योंकि ये हैजिंग नहीं है ना, यहाँ पर आपने सट्टा लगा रखा है, डेरिवेटिव है आपका ये, तो डेरिवेटिव के केस में आपका ये जो प्रॉफिट है ये तीनों प्रॉफिट मिलकर ना इसके साथ सेट ऑफ नहीं होते, और यहाँ पर आप अलग चीज़ क्या करते हो, हाथों हाथ इसको P&L में डालते हो, कोई रिजर्व में नहीं डालते। बाकी जैसे वहां पर था सेल की एंट्री तो होती नहीं थी, यहाँ पर भी आपने देखा था कि सेल की एंट्री तो होनी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं होनी, लास्ट में आके आपकी सेल की एंट्री होती है। तो ये था आपका कि अगर डेरिवेटिव अकाउंटिंग होती तो आप कैसे करते इसको। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरी क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर है 173, इसका सोल्यूशन जो है वो थ्योरी सोल्यूशन है, आपको प्रैक्टिकल समझ आ गया तो थ्योरी वाला बड़े आराम से समझ आ जाएगा।
यही समाप्त करते हैं आज की क्लास को। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लेफ्ट, हमने सब चीज़ें कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और मैं बता दूं आपको, हमने सारे ही कॉन्सेप्ट कवर करें यहाँ पर, चाहे वो छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि जितनी मेहनत और लगन के साथ मैंने इस चैप्टर को बनाया है, आप भी उतनी ही मेहनत और लगन के साथ इस चैप्टर को करेंगे, इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ।